पाकिस्तान में आप एजुकेशन की डेफिनेशन पूछ लें हमारे यहाँ पे एजुकेटेड लोगों से, पीपल डोंट नो हाउ टू डिफाइन एजुकेशन। आप 16 इयर्स की एजुकेशन लेके निकलते हैं और आपसे कोई एजुकेशन की डेफिनेशन पूछ ले आपको नहीं पता। आप पूछ के देख लें, आप एक रोड शो करें, उसमें आप लोगों से जस्ट आपका क्वेश्चन ही ये होना चाहिए डिफाइन एजुकेशन। पीपल डोंट नो व्हाट इज एजुकेशन आफ्टर गेटिंग 16 इयर्स एजुकेशन और डिग्रीज। सही बात कर रहे हैं आप, अच्छी नॉलेज आपके पास। हमारे मजहब ने हमें जो चीज़ें सिखाई हैं ना, हमें सिखाया क्या गया, हमें ईमानदारी सिखाई गई, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें जो इखलाकी इकदार सिखाई गई हम उनसे बहुत पीछे हो गए हैं। इस टाइम पे पूरी दुनिया हमसे आ गया, अंग्रेज़ हम, मैं एक बात कहता हूँ कि अगर अंग्रेज़ कलमा पढ़ लें वो हमसे अच्छे मुसलमान हैं, बिकॉज दे आर ऑनेस्ट। ऑनेस्टी, अगर आप ऑनेस्टी को डिफाइन करें ना, ऑनेस्ट होना ये नहीं होता आप किसी के पैसे लेके भाग गए हो, या ये बेईमानी नहीं होती। हम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है, हमें इंडिविजुअली, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने मुझे जितने रिसोर्सेज दिए हैं मुझे उन्हें यूटिलाइज कैसे करना है। मैं लोगों की तरफ देख रहा हूँ, मैं ब्लेम गेम्स कर रहा हूँ, मैं दूसरों को ज़िम्मेदार ठहरा रहा हूँ। हम लोग खुद ज़िम्मेदार हैं, इंडिविजुअली ज़िम्मेदार हैं, हम लोग अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हैं। आप दो चीज़ें अपने अंदर ले आएँ, आप दुनिया पर राज करेंगे, एक ऑनेस्टी और एक कम्पिटेंसी। कम्पिटेंसी आपकी उस टाइम पर आएगी जब आप अपने आप से ऑनेस्ट हो, आप जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो उसे ऑनेस्टली कर रहे हो, जिस डिग्री को अचीव करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो उसे ऑनेस्टली कर रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे, आपका दिल नहीं लग रहा किसी चीज़ में, तो आप ऑनेस्टली कह दो भाई मैं नहीं कर सकता, आप अपने इंटरेस्ट की तरफ जाओ। जब आप इन चीज़ों की तरफ जाएंगे, आप ऑनेस्ट होंगे तो भाई आप कम्पिटेंट भी होंगे, और आप कम्पिटेंट होंगे तो दुनिया आपकी तरफ आएगी। हम लोग नहीं हैं इस वजह से हमारी तरफ कोई आता नहीं है। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, नाइस टॉक विद यू, बहुत ज़बरदस्त।